येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भूयभार भूता मनुष्येण रूपाय मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों के अंदर ना तो विद्या है, ना ज्ञान है, ना तप है, ना दान है, ना धर्म है, वह इस संसार में उस मृग के समान है जो घास खाते हुए घूमते हैं। और वो तो थैंकफुल है कि हम लोग घास नहीं खाते, लेकिन नहीं तो मृगों का भी रहना मुश्किल हो जाए। ये श्लोक सुनाया था मेरी टीचर ने मुझे जब मैं क्लास 10th में थी, और हमेशा मैं ये याद रखती हूँ। इसीलिए मैं समझती हूँ कि विद्या का बहुत इम्पोर्टेंस है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती। आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए बिना उम्र के। ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी जनरेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आज नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। होप करते हैं आप सब अपने घर पर सही होंगे, और हम तो सही हैं ही। आप वेट कर रहे थे, आप सो के उठे हो क्या? आप छोके उठे हो, आज शाम को छुट्टी है ना बच्चों की, तो सुबह एक ही आया हुआ था। आग से आने के बाद सारे बच्चे मम्मी के साथ में हैं, सारे बच्चे मम्मी के साथ में। नोमनी नोमनी पंडे प्लीज ले जाओ, इधर आओ, जल्दी आओ, लोई सबकी अलग अलग रेसिपीज होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमारे घर में ये सौंफ मिर्च बहुत बनती है। इसमें मैं डालती हूँ पहले सौंफ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सूखा पिसा हुआ और खटाई। इन सबको एक साथ मिलाने के बाद इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ। फिर मिर्च के अंदर लगाती हूँ स्लेट धो के, और अगर ज़्यादा बड़ी मिर्च हैं तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में काट के, और फिर उसके बाद इसमें ये सारा मसाला अच्छे से स्टफ़ कर देती हूँ। मसाला स्टफ़ करने के बाद में सरसों का तेल बहुत अच्छे से हीट अप कर लीजिए। सरसों के तेल में रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं। फिर सरसों के तेल में इन मिर्चेस को डाल के, इन चिलीज़ को, और फिर उसके बाद आप उन्हें फ्राई कर दीजिए। तो ऐसे आपकी मिर्च की रेसिपी रेडी है। सो गाइज, अब ख़त्म हो गया मेरा सुबह का सेशन क्लासेस का, और मैं फ्री हुई हूँ। और अब मैं सोनाली से पूछती हूँ, सोनाली तू कल क्यों नहीं आई थी? एक तो सुबह से क्लासेस थी, इतना काम था, और ऊपर से सोनाली जी कल शाम को छुट्टी करके बैठी थी, और सोनाली जी ने बताया भी नहीं कि उनकी छुट्टी है। चलो प्रॉब्लम है, छुट्टी कर लेता है इंसान, समझ में आता है। लेकिन सोनाली का गुण ये है कि सोनाली जब छुट्टी करती है तो सोनाली बताती नहीं है कि मेरी छुट्टी है। अब जरा बता सोनाली, तूने क्यों छुट्टी की थी कल? कमर में दर्द थी सोनाली के। सही है भाई, ठीक है, गुड। टाइम हो रहा है कोचिंग का, मैं जा रही हूँ, और मम्मी लेटी हुई है नीचे और सुन रहे हैं भजन कीर्तन। क्या कर रहे हो? भजन सुन रहे हो, सही है। कौन सा भजन सुन रहे हो? यही सुन रहे हो, सही है। लियो, तू क्यों लेटा है उसमें? नुमान लाइफ प्रोसेस पढ़ लियो बेटा, ठीक है, चलो बाय। सो गाइज, अब चलते हैं क्लासेस में और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक। हेलो कनिष्का, हेलो पंडित, तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की?
आफ्टरनून पूजा, हाउ आर यू पूजा? आई एम फाइन। और फिर क्या हाल चाल है? बेकार। क्यों? तो मास्क क्यों नहीं लगाया? जाओ मास्क लेकर आओ। इनकी टीचर चली गई, इनके पेरेंट्स लेट आए थे, तो मैं अभी तक यहीं पे बैठी थी। अब आगे बच्चे जा रहे हैं, सबको बाय बाय बोल रहे हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। अरे तो हमारी आम भी तोड़ दी आज कबूतर ने। वो तो मन पर आंसर कर दी। अरे हम भी तोड़ दी गाइस। गाइस ये थी मेरे खेत की आंबी जिसे तोड़ दिया कबूतरों ने। अब हमारे खेत में कम आम रह गए क्योंकि एक आम तो कच्चा तोड़ दिया है। अब मम्मी इस आंबी की हम क्या बनाएं? सब्जी बनाएं, चटनी बनाएं, अचार डालें, क्या करें? आप बताओ क्या करना चाहिए इस आंबी का? चटनी बना लूं? ठीक है, पर आप खेत में से पुदीना नहीं लाए तो फिर चटनी कैसे बनेगी? तो मम्मी और मुझे लेना था कुछ घर का सामान, तो मम्मी और मैं चले गए रिलायंस फ्रेश थोड़ा सामान लेने के लिए, और वहाँ से चीज़ें लेके हम दोनों आए।